लुंगी उठा के लल्लू पंजू को कूटने का और नशा उतरते ही क्या हुआ पूछने का। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड और तेलुगु की दो खतरनाक फिल्मों के बारे में। पहले तो सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म भोला मूवी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई करती नजर आ रही है, और दूसरी ओर तेलुगु सुपरस्टार नानी की फिल्म दशहरा, जिसकी बॉक्स ऑफिस पर पकड़ काफ़ी कमज़ोर होती नजर आ रही है। तो फ्रेंड, अगर आपको जानना है दोनों फिल्मों ने शुरुआती 14 दिनों में लगभग कितनी कमाई की है, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं भोला मूवी के बारे में। इस फिल्म ने जहां अपने शुरुआती 12 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 73 करोड़ 89 लाख रुपए की कमाई की, वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 98 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। लेकिन इस फिल्म ने अपने 13वें दिन करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए, और अपने 14वें दिन यह फिल्म लगभग 8 लाख की एडवांस के साथ 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाती नजर आ रही है। फ्रेंड, इस तरह से भोला मूवी शुरुआती 14 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 76 करोड़ 79 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर लेगी और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 101 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई कर सकती है। तो फ्रेंड, वहीं दूसरी तरफ बात करें तेलुगु सुपरस्टार नानी की दशहरा मूवी के बारे में, तो फ्रेंड, इस फिल्म ने शुरुआती 12 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ 65 लाख रुपए का कारोबार करने में कामयाब रही और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 109 करोड़ 30 लाख रुपए कमा पाई। लेकिन यह फिल्म अपने 13वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 50 लाख रुपए कमा पाई और अपने 14वें दिन लगभग 2 से 3 लाख की एडवांस के साथ करीब 40 लाख रुपए कमा रही है। फ्रेंड, इस तरह से दशहरा मूवी 24 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 76 करोड़ 50 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर सकती है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ के आंकड़े को पार करती नजर आ रही है। तो फ्रेंड, आपको क्या लगता है, क्या भोला मूवी अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में दशहरा मूवी के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे कर सकती है या फिर नहीं? फ्रेंड, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।